अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, हम सिक्स क्लास का ये सेकंड चैप्टर जो है आपका ग्लोब और मानचित्र, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मीन्स मॉडल होता है, और इसकी आकृति जो होती है, शेप जो होती है, वो पृथ्वी के समान ही लगभग गोलाकार होती है, जो ध्रुवों के पास हल्की दबी हुई होती है। जैसे देखिए, ये है ना, गोल तो है, लेकिन कैसे है, ये इस फॉर्म में है, तो मीन्स हल्की सी ये दबी हुई होती है। तो जिस प्रकार पृथ्वी चपटी है, उसी प्रकार ग्लोब भी गोलाभ होता है। मीन्स ग्लोब पर ध्रुव, अक्षांश, देशांतर, महासागर, महाद्वीप आदि सभी को जो यथास्थान होता है, उस पर रेखांकित हम कर सकते हैं। तो देखिए, ग्लोब की उपयोगिता क्या होती है? ग्लोब पृथ्वी का त्रिविमय चित्र होता है, इसलिए ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, और ग्लोब पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की सटीक स्थिति जो है वो देखने को हमें मिलती है। मीन्स टू से एक्यूरेट जो सिचुएशन होती है, वी कैन सी ऑन अ ग्लोब, हम ग्लोब पर देख सकते हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतक रेखाओं जो होती हैं, उसके महासागर, महाद्वीप, पठार, पर्वत, द्वीप को भी देखा जा सकता है। जो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं, उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। ग्लोब को एक धुरी मीन्स अक्ष पर घुमाकर पृथ्वी के किसी भी इच्छित स्थान को हम देख सकते हैं। मीन्स टू से हम कोई भी स्थान अगर देखना चाहते हैं, अब देखिए पृथ्वी पर ग्लोब को हम घुमा के गोल, तो आसानी से हम इस पर देख सकते हैं। ग्लोब की कमियां या दोष देखिए क्या होते हैं। ग्लोब में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, जैसे ग्लोब केवल संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन के लिए ही अधिक उपयोगी है, पृथ्वी के एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करने में अधिक लाभकारी नहीं है ये, क्योंकि ग्लोब किसी एक देश, राज्य, नगर या क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं होता है। पृथ्वी एक विशाल और केवल ग्लोब के अंदर उसका प्रकटीकरण जो होता है वो संभव नहीं हो पाता। ग्लोब पर देखिए, हम घुमा के इसको केवल स्थान देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो एक्यूरेट स्थिति है, सिचुएशन है, कहाँ पर है ये, कौन सी जगह पे है, हम वो चीज़ इस पर नहीं देख पाते। अब देखिए, मानचित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग की सूक्ष्म दशाओं को देखने के लिए, मतलब छोटी से छोटी दशाओं को भी दिखाने के लिए हम मानचित्र का यूज़ करते हैं। वास्तव में मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक सूक्ष्म मीन्स छोटा चित्र होता है, मीन्स छोटा सा एक चित्र होता है वो। एक यदि एक द्विव्यय जो चित्र होता है, जिस पर लंबाई चौड़ाई दिखाई जाती है, और मानचित्र किसी चपटी सतह पर, चाहे वो कपड़ा हो, कागज हो, चाहे बोर्ड हो, दीवार हो, उस पर बनाए जा सकते हैं, और पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों का जो प्रदर्शन होता है वो मानचित्र पर किया जाता है। जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, सागर है, महासागर आदि। इतना ही नहीं, मानचित्रों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया जा सकता है, जैसे मानचित्रावली, जिसे आप एटलस कहते हैं। अब देखिए, मानचित्रों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र मापनी, स्थलाकृति, लक्षणों की जो मात्रा होती है, उद्देश्य और सूचना शैली के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं ये। कुछ मुख्य मानचित्र के विषय में बताया गया है, जैसे भौतिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, देखिए, जिसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी के जो तंत्र होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, उसको दिखाने के लिए हम जिन मानचित्रों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। अब देखिए, राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं, जिस पे हम देशों की सीमाएं दर्शाई जाती हैं और उसे देख सकते हैं, राजनीति मानचित्र कहलाते हैं। विषयक मानचित्र कौन से होते हैं, किसी एक भौगोलिक तथ्य से संबंधित जानकारी देने वाले मानचित्र विषयक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे सड़क है, सड़क मानचित्र है, कृषि मानचित्र है, जनसंख्या मानचित्र है, वन एवं उद्योग मानचित्र है। अब देखिए, मानचित्र के घटक के बारे में, मानचित्र के घटक कौन से होते हैं, तीन घटक होते हैं, दिशा, पैमाना और प्रतीक। ठीक है, इसमें दिशाएं जो होती हैं वो मानचित्र पर दिशाएं एक तीर द्वारा दिखाई जाती हैं। ठीक है, और
इसमें अधिकतर जो मानचित्र होते हैं उसके ऊपर दाहिनी ओर एक तीर का निशान मानचित्र पर उत्तर दिशा दर्शाता है और अन्य दिशाएं जो होती हैं वो उत्तर दिशा ज्ञात होने का पता लगा सकती हैं। चार दिशाएं होती हैं, ये आप सबको पता होगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इन्हें हम चार प्रधान दिशा बिंदु कहते हैं और इनके मध्य में चार अन्य दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इस यंत्र का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इस यंत्र का आविष्कार? चीन देश में हुआ था। पैमाना के बारे में बच्चों हम कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आज के लिए आपके लिए देखिए होमवर्क क्या है, आपको ये पहले तो इमेज बनानी है जो कि हमारे दर्शाती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर उसके बाद देखिए ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, ये जो दिशाएं हैं ये आपको इमेज में बनानी है और प्लस में ये दिक्सूचक जो यंत्र है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में।